नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से हम आपके लिए हॉर्टिकल्चर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और आज हम फ्रूट क्रॉप के लास्ट क्रॉप पढ़ेंगे जो कि नेमरा सोंडा में दी हुई है, ग्रेप, कोकोनट और एप्पल के बारे में। इसके बाद से फिर वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को भी और वीडियो को भी, जिनके लिए भी यूजफुल हो और सभी को लाभ प्राप्त हो सके जिससे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ग्रेप, जिसका साइंटिफिक नेम है विटिस विनिफेरा और ये विटेसी फैमिली का सदस्य है। इसका जो आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग, तो इसका जो आइडियल टाइम होता है प्लांटिंग का, वो होता है अक्टूबर, जिसको हम अनरूटेड ग्रेप कटिंग के द्वारा प्लांटिंग करते हैं। रूटेड कटिंग आर प्लांटेड इन जनवरी फरवरी। वहीं अगर रूटेड कटिंग की बात करें तो जनवरी फरवरी में करते हैं। तो ये आपको याद रखना कि अनरूटेड कटिंग की जो प्लांटिंग होती है वो अक्टूबर में करते हैं, लेकिन रूटेड कटिंग की जो प्लांटिंग होती है वो जनवरी फरवरी में करते हैं। ग्रेप इज अ डेसीडुअस क्रॉप, तो ये भी एक डेसीडुअस क्रॉप है और इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है। थॉमसन सीडलेस विद इट्स क्लोन ऑक्यूपाइज 55% एरिया अंडर ग्रेप कल्टिवेशन। तो थॉमसन सीडलेस जो है वैरायटी है ग्रेप की, जो कि लगभग 55% एरिया ग्रेप का ऑक्यूपाई करता है, मीन्स इसी वैरायटी की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है ग्रेप में। ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप विच इज़ मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया इज बावर सिस्टम। तो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रेप के लिए। बिना ट्रेन किए हम कि उसको कैसे ग्रो करना है उसमें हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। और तो ट्रेनिंग के लिए भी इसमें कई मेथड होते हैं ग्रेप की, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बावर सिस्टम फेमस है। एलिमेंट दैट इज यूनिवर्सल डिफिशियंट इन ग्रेप इज मैग्नीशियम। तो एलिमेंट जो कमी होती है ग्रेप में वो है मैग्नीशियम की कमी होती है। टार्टेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप फ्रूट, और टार्टेरिक एसिड पाया जाता है ग्रेप के फ्रूट में। इन नॉर्दर्न इंडिया ग्रेप्स आर प्रूनड इन दिसंबर टू जनवरी। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है ग्रेप्स की प्रूनिंग दिसंबर और जनवरी में होती है। द केमिकल यूज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन ग्रेप इज नेफ्थलीन एस्टिक एसिड 50 ppm। तो कौन सा केमिकल है जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप रोक सकते हैं, मीन्स हार्वेस्टिंग के पहले फ्रूट ना गिरे, हमारे जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर होते हैं वो ना गिरे, उसके लिए हम NAA का या नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का यूज करते हैं 50 ppm की दर से ग्रेप में। आउटस्टैंडिंग कल्टीवार ऑफ रेजिन डिहाइड्रेट ग्रेप इज किशमिश रिले। तो जिस आपको जैसे पता है कि ग्रेप से ही किशमिश बनाया जाता है, तो कौन सी वैरायटी है जो कि आउटस्टैंडिंग होती है, मीन्स रेजिन बनाने के लिए किशमिश बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है, वो होती है, उसका नाम भी है किशमिश रिले। नेक्स्ट है वैरायटीज की बात करें तो अर्का, तृष्णा और सोमा जो है वो वाइन पर्पज के लिए, वाइन बनाने के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटीज होती है। नेक्स्ट है दिलखुश, फिर है अर्का हंस जो कि वाइट वाइन बनाने के लिए यूज होती है। अर्का कंचन लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। थॉमसन सीडलेस मोस्टली ग्रोन वैरायटी, सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली वैरायटी है। मस्कट जो है वो कलर्ड सीडेड वैरायटी है, तो इसके जो सीड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। फिर है परलेट और अनाबे शाही, ये सब हमारी अंगूर की वैरायटी है। जो डिजीज की बात करें इसके, तो डाउनी मिल्ड्यू जो कि प्लाज्मोफोरा विटिकोला के द्वारा होता है, मेजर डिजीज होती है इसकी। फिर नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू इराइसिफी विटी, तो इनका जैसे नेक्स्ट क्रॉप में ही डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का हम कंट्रोल करते हैं, वैसे इनमें भी कंट्रोल करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो हैन एंड चिकन डिजीज ड्यू टू बोरॉन डिफिशियंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंगूर में होती है हैन एंड चिकन डिजीज जो कि बोरॉन की डिफिशियंसी से होती है। वहीं बेरी और ब्लॉसम ड्रॉप इन ग्रेप, तो बेरी और ब्लॉसम ड्रॉप जो होता है वो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। जब पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है या फिर पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो फिर ब्लॉसम ड्रॉप हो जाता है ग्रेप में। पिंक बेरी फॉर्मेशन इज ड्यू टू, तो जो बेरी है इसका जो फल होता है वो बेरी टाइप का होता है, मीन्स इसके जो फल होते हैं पिंक कलर के हो जाते हैं, वो होता है हाई टेम्परेचर या फिर कॉमन इन थॉमसन सीडलेस। तो थॉमसन सीडलेस में तो ये कॉमन है, लेकिन अगर और किसी अन्य वैरायटी में भी पिंक कलर के हो जाते हैं इनके बेरी, तो वो होता है हमारे हाई टेम्परेचर की वजह से। कैलिक्स इंड्रॉट कैल्शियम डिफिशियंसी, और कैलिक्स इंड्रॉट जो होता है वो होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो थ्रिप्स आता है, जो कि होता है रिफी फोर थ्रिप्स कुरपेटस। इट कैन बी मैनेज बाय स्प्रे मैलाथियन, तो मैलाथियन के स्प्रे से इसको
कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं नेक्स्ट है फ्ली बीटल, जो कि होता है स्क्लोडेंटा स्ट्रिगो पॉलिस। इट इज़ मैनेज्ड बाय स्प्रे कार्बाइल 50 WP 2.5 kg पर हेक्टेयर ऑफ ऑर्चर्ड। तो इसमें कार्बाइल का स्प्रे करते हैं 50 WP का 2.5 kg पर हेक्टेयर की रेट से। नेक्स्ट जो ये हमारी क्रॉप है, सही से टाइप नहीं है, ये है कोकोनट की क्रॉप है हमारी, कोकोनट। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कोकोस न्यूसीफेरा, और ये अरेकेसी फैमिली का सदस्य है। किसका? अरेकेसी फैमिली का। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, कोकोनट की क्रॉप है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, बोटेनिकल नेम होता है, वो होता है कोकस न्यूसीफेरा, और ये अरेकेसी फैमिली का सदस्य है। इंडियाज रैंक्स 3rd इन कोकोनट प्रोडक्शन आफ्टर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है कोकोनट के प्रोडक्शन में, पहले नंबर पर है इंडोनेशिया और दूसरे पर है फिलीपींस। केरला शेयर इन कोकोनट प्रोडक्शन इज 42%, और इंडिया में सबसे ज़्यादा केरल में कोकोनट होता है, जो कि है 42% है टोटल प्रोडक्शन का। चौघाट, ग्रीन ड्वार्फ एंड प्रताप आर कोकोनट वराइटीज। तो ये इंपॉर्टेंट वराइटीज हैं, कौन कौन सी? चौघाट, ग्रीन ड्वार्फ और प्रताप कोकोनट की इंपॉर्टेंट वराइटीज हैं। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें कोकोनट की, तो सबसे पहला है रिनोसेरस बीटल, जो कि होता है ओराइटस रिनोसेरस से द्वारा। फैन लाइक अपीयरेंस ऑफ लीव्स, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो लीव्स हो जाती हैं वो फैन लाइक आपको लगेंगी, जैसे पंखे की जो पंखियाँ होती हैं उस तरह का आपका अपीयरेंस इसमें समझ में आएगा रिनोसेरस बीटल के अटैक होने के बाद। नेक्स्ट है रेड फार्म वीविल, जो कि होता है राइनोकोफरस फेरुजीनस। तो इसमें क्या होने लगता है? गमोसिस हो जाती है, ऊजिंग ऑफ ब्राउन लिक्विड मीन्स गमोसिस, कुछ ऊजिंग जो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ हो जाती है, वहाँ से आपको ब्राउन लिक्विड निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, ट्रंक से हो गया, मेनली ट्रंक से ही दिखाई देगा आपको, तो वो होता है रेड फॉर्म बीविल की वजह से। नेक्स्ट है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, तो ये होता है ओपिसिनिया अरेनोसेला, जिसका साइंटिफिक नेम है, और ये मोनोफेगस पेस्ट है कोकोनट का। नेक्स्ट है कोकोनट माइट एसेरिया गुरोनिस। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में, तो एप्पल की जो डिजीज है उनमें से सबसे पहला है क्राउन गॉल, जो कि होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस की वजह से। नेक्स्ट है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होता है इरविनिया एमाइलोबोरा के द्वारा बैक्टीरियल डिजीज है, और ये सबसे पहली डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की खोजी गई थी, कि बैक्टीरिया से होने वाली सबसे पहली डिजीज जो खोजी गई थी वो है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर, जो कि इरविनिया एमाइलोबोरा के द्वारा होती है। तो ये पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है। नेक्स्ट है एप्पल स्कैब, जो कि होता है वेंचुरिया सबनिक्वेलिस के द्वारा, फंजाई के द्वारा। और फिर है वाटर कोर, जो कि बोरान की डिफिशियंसी से होती है, और बिटर पिट एंड क्रैकिंग कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती है। तो इसमें क्या होते हैं बिटर पिट गड्ढे आपने देखे होंगे सेब में, कि ब्राउन हो जाता है और गड्ढे टाइप का हो जाता है, और फिर क्रैकिंग भी हो जाती है सेब में, तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें एप्पल पियर पीच की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है संजोस स्केल, जो कि होता है क्वाड्रा स्पीडिटोटस परनीसियोसस की वजह से। इसमें क्या होता है सक द सेल्स है फ्रॉम लीव्स ट्विग्स एंड फ्रूट्स, द इन्फेस्टेड फ्रूट आल्सो हैव अ स्केली अपीयरेंस एंड ईच स्पॉट इज सराउंडेड बाई अ स्कारलेट और रेड एरिया। तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है ये पेस्ट होता है, ये लीव से हो गया, ट्विक से हो गया, फ्रूट से हो गया, हर जगह से लगभग क्या करता है कि सेल सैप की सकिंग करता है, और सकिंग के बाद इसमें क्या होता है कि फ्रूट जो होते हैं उनमें स्केली अपीयरेंस होता है और स्पॉट बन जाते हैं, जो कि स्कारलेट और रेड एरिया के द्वारा सराउंड होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट पैरासिटॉइड ऑफ संजोस स्केल है वो है इनकार्सिया परनीसियोसी, तो इसका यूज करते हैं हम, पैरासिटॉइड है इसका यूज करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है बूली एप्पल एफिड, जो कि होता है इराइसोमा लाइनिजेरम के द्वारा, द इन्फेस्टेड प्लांट है पेल ग्रीन लीव्स एंड व्हाइटिस कॉटन पैचेस। तो इन्फेस्टेड प्लांट जिनमें इसका इन्फेक्टेशन हो जाता है उनमें पेल ग्रीन लीव्स दिखाई देंगी आपको, मतलब ज़्यादा एक प्रकार से डार्क ग्रीन लीव दिखाई देंगी, और वाइट कॉटन पैचेस आपको दिखाई देंगे स्टेम में और ब्रांचेस में। करेक्टरिस्टिक्स गाल और नोट्स आर फॉर्म ऑन रूट्स एंड अंडरग्राउंड पोर्शन। तो इसमें क्या होता है रूट्स में या अंडरग्राउंड पोर्शन में आपको गाल या नोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कई तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके लिए पैरासिटाइड का यूज होता है वो है एफेलनेस माली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
पूछा जाता है, और अटैक्स ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ निम्फल स्टेज जो कि इसका यूज करते हैं, तो ये फोर्थ और फिफ्थ निम्फल स्टेज पर अटैक करता है और इसको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आज से हमारी फूड क्रॉप कंप्लीट हो चुकी है नेमरासुंडा बुक से, और अब हम अगले लेक्चर से वेजिटेबल क्रॉप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।